భారత్ పాక్ల మధ్య యుద్ధ వాతావరణం నెలకొనడంతో పంజాబ్లోని అమృత్సర్, ఉత్తరాఖండ్లోని డెహ్రాడూన్, జమ్మూ ఎయిర్పోర్టుల్లో వాణిజ్య విమానాల రాకపోకలను నిషేధించారు. దీంతో ఈ రెండు విమానాశ్రయాల నుండి గమ్యస్థానాలకు వెళ్లవలసిన ప్రయాణికులు వెనుదిరుగుతున్నారు. అటు పాకిస్తాన్లోని లాహోర్, మల్టాన్, ఫైసలాబాద్, సియల్కోట్, ఇస్లామాబాద్ ఎయిర్పోర్టుల్లో కార్యకలాపాలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. और उसके चलते कोई फ्लाइट्स अमृतसर आ नहीं रहे हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स. और जब क्योंकि अमृतसर में कोई बेस तो है नहीं, तो जब फ्लाइट्स आएंगी नहीं तो जाएंगी नहीं. तो ये यहाँ से डाइवर्ट किए हैं कहीं? डाइवर्शन तो तब होता है ना जब फ्लाइट्स यहाँ आ रही हो. जब यहाँ आएंगी नहीं तो डाइवर्ट कैसे करेंगे? इस विषय में मेरे को कोई जानकारी नहीं, जितना मैंने आपको बताया उतना ही सही है. मैं अहमदाबाद जा रहा था, मेरी फ्लाइट थी यहाँ से जम्मू से अहमदाबाद की डायरेक्टली, बट अब वो सर्विसेज कैंसिल हो गए क्योंकि यू नो एवरीथिंग, एयरपोर्ट हैज़ बीन शट डाउन. अभी यहाँ से कोई सर्विसेज में ले नहीं सकता, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वाया ट्रेन जा रहा हूँ. तो वो मेरे लिए अभी जो ओपन कैटेगरी है जो मैं वो अभी यूज़ करूँगा. अंदर एयरपोर्ट में हमारे को सिक्योरिटी जाँच के दौरान उन्होंने बताया कि इंडिया पाकिस्तान का जो तनाव चल रहा है, तो फाइटर प्लेन उनके अंदर घुस गए, इस वजह से बंद कर दिया है.